गई बीजेपी सरकार ने, 10 रुपये घंटा घंटा भाव बताया 10 रुपये भाई। अच्छा। ठीक है, और तूने 6 साल पहले और सौदे ला ले तू, पेट्रोल डीजल दाल चीनी ये वगैरह वगैरह जो सामान आवा भाई, इनके रेट देख ले 6 साल पहले, अरीब घंटा रेट देख ले। स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट जो पलड़े प्लान में जब बीजेपी आई नहीं थी, जब ते जब अच्छा धनखड़ ने पूरे प्रदर्शन करे हैं, रेल का गभी लोटिया झज्जर है, पूरे फंड करे हैं, पानी पानी है, कैसे यहाँ पे शमशानों तक जाते हो और कैसे दूसरे गांव में जाते हो, ये भाई है जो अरे भाई पंजाबी के जाना भाई जमींदार चीज ये वो है। अच्छा भाई। ले यार 40 मन खरीदूंगा, 20 मन खरीदूंगा, फलाना खरीदूंगा, ये किसी व्यापारी का नहीं, कंधा बतन इतने सूट बेचने हैं। अच्छा। राजर खाजा अपने अच्छी लागे रनगाथ राज रनगाथ में राजा होगा जब आप इकट्ठे हो जाए। अच्छा। पहले बरोदा गांव के खासा में एक सर्वे कराया था, इब मोर साइड की तरफ आए हैं, यहाँ भी कुछ भाई मिले, इनसे विचार लेते हैं कि क्या चुनावी माहौल है और किस पार्टी का माहौल चल रहा है और क्या यहाँ पे इलेक्शन है, क्या काम हुए क्या नहीं। राम राम जी सारे ने। राम राम भाई। आपने अपने अड़के माहौल लागू इलेक्शन लक्षण का और क्या कुछ चल रहा है? थोड़ा थोड़ा चालू हुआ है। अच्छा, इब माहौल गरमाया नहीं? पूरा नहीं गरमा लिया है। को सरकार को शिकायत या काम सही हो रहा था? महाराज भाई इस सरकार में बहुत काम हुए बीजेपी में। हाँ। अच्छा, अरे बाकी लिए के विचार है फिर? आगे भी होगा रे काम, एक ही रोड हवा दूर रह रहा है बस, यू हो जाएगा, यू ही हो जाओ इलेक्शन में। हाँ, मौज हो रही है हमारा गांव में तो भाई। अच्छा। पानी की, नहर की, नहर ने बेटी फपंदी आवा बेटी चौध फिर ही, मतलब वोट सरकार के साथ? हाँ, सरकार के साथ हाँ भाई। अच्छा जी। और आप क्या उस्ते जी? महाराज जी अब चटाला जो रहे चटाला साहब गिल आप बिल्कुल अब चटाला का जमा 70% एक तरफा गांव का माहौल रहोगा जी हमारे गांव में चटाला जी की सपोर्ट में। हाँ बिल्कुल, अब चटाला मान भाई जाटा लीडर है, जाटा ही मान है, अग्नि जाटा का दबदबा है भाई, जाटा में तो सही भाई, और भाई मान लो और अदर जाते हैं उनका देखिए कैस काम भाई, कोकिंग आने कोकिंग आने हो उसका जाटा में अभी महाराज एक तरफा माहौल है अब चटाला का। कैंडिडेट कौन? अर्जुन चौटाला कोई आओ भाई चे। अच्छा, कैंडिडेट तो कोई मतलब है, मतलब चौटाला दा ही मतलब? बिल्कुल बिल्कुल है चौटाला। हमने नु सुनया कि अर्जुन चौटाला का, अर्जुन चौटाला दा हल्के को नहीं फिर कोई बात नहीं, फिर भी जाट भाई तो सही है, हम तो उसकी गेल्या हुए बस चेक दे दे दो भाई, हम तो उसकी गेल्या अबे चौटाला की। इसी के खास लागे इतना पार्टी में कि कौन सी इसमें खास नोर क्या होगी भाई, पहले भी तो कदे तो देवीलाल रहा है, ओम प्रकाश चौटाला रहा है, हम तो उससे गेल रहे, हम ये सदा मारा हल्का उस गेल रहा है। हाँ, ये जाट मान के भूपंदर उडकान हुए थे, यू कमे ना जाट जूट पाया, अबे चौटाला फिर भी जाट है भाई। आपने क्या है जी, आपके क्या विचार है? कोई आओ नब्बे 95 साल का दोस्त दो महीने मर जाए फिर काम होंगे हमारे। अच्छा, जीते जी काम कोई ना होती ना, जीता जी को तो कुछ नहीं, बेरा भी ना लेने तो। फिर मेरे पास इलेक्शन का टाइम जो काम होगा, जब काम होगा फिर वो जब मर लिया काम क्या करेगा? काम वो सरकार तो करा है। आपने क्या लगा भाई साहब? भाई बीजेपी ने तो बिरान माटी कर रखी है, एक दिन लगी सरकार नहीं। अच्छा। ये रोड है 3 साल हो लिए बीजेपी की मेहरबानी है, इतनी नुगा खंडिया पड़िया है, फसल है फसल क्यों हमने बोले थमने मुआवजा ठा वो उठाओगा और बोनों से 100 रुपये और बदा कर देंगे, अगले भी नम गिर गए वहाँ, दो भी ने घर क्यों गिरने पड़े भाई, सारे क्यों सिर पर के गए हैं, के जाने हुए हैं के जाने बीजेपी के उक्र क्यों पड़े हैं, के उक्र उल्टे घालने पड़े हैं, उन्हें तो कह दी 100 रुपये बदेंगे, वो 100 रुपये आज भी ना बदलिए, ये बीजेपी जितनी निकम्मी सरकार हमने तो देखी नहीं भाई, रोड मारा ही पानी खड़ा है जोड़ पर भरिया पड़िया है, खेतों में निकासी पानी की होगी नहीं, पानी तालाब तालाब का तालाब का एक तालाब भी हमारे गांव में नहीं होनी, एक निकासी हो पानी की बाहर ड्रेन में एक तालाब का भी पानी नहीं जाता भाई साहब, ऊन यू कहते हैं रुपये ला दिए इतनी रुपये ला दिए नू ला दिया, कुछ नहीं लग रहा भाई, फद्दू बना हुए हैं कागज कागज हम रुपये लग गए हैं। किस सरकार के साथ जाओगे? सरकार भाई कैंडिडेट के ऊपर है, कैंडिडेट जो बढ़िया होगा, कैंडिडेट तो इसमें बड़ी आस्क है, बड़ी आस का तो कैंडिडेट के ऊपर निर्भर है, कैंडिडेट ने दें क्या खूबी चाहो आप कैंडिडेट? कैंडिडेट पहली खूबी है हमारा गांव का होना चाहिए। अच्छा, गांव का होना चाहिए पहली खूबी, हमारा बरोदा गांव का होना चाहिए, जिस गांव का नाम हल्का पड़ रहा उसमें आज तक किसी ने कोई कैंडिडेट नहीं होया, कोई भी पार्टी तो नहीं होया, हमने क्या मतलब, हम तो अपने कैंडिडेट ना चाहूँगा भाई, हमारा गाँव का कैंडिडेट चाहिए, हम चाहे कोई पार्टी दे दो
नेशनल पार्टी आमूसा के साथ में। और ये ऑनलाइन क्यों खरीदे इस पे क्या कहोगे आप? भाई बुंडी ब्रांड में टी खरीदी ना, अरे यार सरसम भी खरीदी थी पाछा सी सरकार ने, सरसम तो भी बेचनी है ना बेरा जो बो रहे थे एक दाना नहीं बेक्या चार पे एक जो मतलब सरसम बो रहा था पाँच छः किलो चार पले जानी पड़ी है खेत जमींदार ने मंडी में चार पले जान दिया ना नहीं देखो भी जिस किसी का साधन ना उन किस रे रे माटी तो सरसम जा है ये तो काकचाम करते हैं इस तो फालतू गंडा नहीं 200 कुंटल तो फालतू गंडा नहीं लिखा जाएगा 50 मन तो फालतू गेहूं नहीं होंगे इन के बेरा कितने गेहूं लगे फिर ये दोनों देखो अक्सर किसान गया दोगुनी करनी है 2022 तक ही हां दोगुनी करनी है टोटेगी टोटा चढ़ाना है 7 लाख रुपया टोटा है तो 14 लाख रुपया करना है दुगनी करेंगे ये नो तो ये पूरी करेंगे दुगनी इनके जच लिया तो 4.5 लाख का गंडा तो धुरी गेर कर आए एक ठन्नी नहीं ठाई हुई अड़ा को टोई लेंदा ना के मैं और अपना जंगल राज मचा रहे हैं ना को सुनिया ना के मैं कहनिया कुछ नहीं सारा सिस्टम बेकार हो रहा है ईसा तो यू उड़ा है हरीश ये उस तो भी किमन के मैं जीरो या कांग्रेस है हाँ बीजेपी चौटाला राज था ना जब है जब तो कमे हुए जार था कमे सुनाई हो जार दिया हम तो हाँ भैया बे चौटाले के दिनिया भाई की जो दर सौ का काट दे लिया भी तो भाई भाई इन्हें बता मारा काम है जमींदार का। अच्छा भाई अरे भाई वो पंजाबी के जाना भाई जमींदार चीज के वो है ले यार भैया 40 मन खरीद दूंगा 20 मन खरीद दूंगा फलाना खरीद दूंगा यू किसी व्यापारी का न्यू कंधा बतन इतने सूट बेचने हैं अगर बतन इतनी टूम बेचनी है अगर बतो इतने समटिए कट्टे बेचिए यो अपनी बाण का भाई ले बोला इतने मन लूंगा भाई इतने मन लूंगा बाजरा खर को 5-5 किलो उल्टा आया है सरसम एक एक किलो उल्टी आई है खरीदी को ना भाई बचगी तो जो खरीदता बार थी वह बचगी तो ले जा भाई अपनी घर वो बेचने में दिक्कत आई सरसम बाजरा अरे दिक्कत है यार जब एक दे अपने सर पदर कर लिया मानो सर क्यों करवा रहे और दिक्कत नहीं है यार अरे जो कर फरद कटवानी थी पहले फरद कटवा क्या बाजरा। अच्छा हाँ जिसका को माड़ा मोटा में एक मानस से बिक गया ना अपने बेचारा के मनमान तीन तीसरे दिन चौथे दिन जा बाजार में क्या है ठीक है कर को दाम हूँ जाकर राजी को हम सुन पद में जा राजी को हम दो रोज तक सारे काम ने मेरे हमारे पहुँचा दिए कर खुद इतना बूंदा बराड एरिया में ये दो भाई कभी दाप का नुकसान कर रहे हैं हमारे तो ओट बटा काम से पूरा कम काम नहीं ओट इन एक तो कैंडिडेट नजर आंदा नहीं अरे यू विकास देख ले दो साल हो गए रोड पट्टे ने अब करिए भाई इसका ना दो साल है लोग जो टेबक लिए बड़े टेबक लिए अच्छा पांव फुट का अरे बे एक रोड था कच्चा वो डंगड़े बना दिए डंगड़े ईसा काम करया के एक था वो कच्चा उस पे भी ईसा काम करवा दिया ही बे रोड गेर का छोड़ हां वो खेत का एक कच्चा रह रहा था वो भी रोड गेरवा छटवा दिया। इस सरकार ने तीन अध्यादेश ले आई है जो मोदी सरकार का केंद्र का नारा था कि 2022 तक किसान की आय दोगुना करेगी तीन अध्यादेश ले आई है उसके बारे में पता आपको किसान की आय दोगुनी है किसान की आय दोगुनी हुआ है भाजपा मोदी वो ना सोनिया वो है कोई आलियो किसान की आय दोगुनी नहीं हो सकती जो ये तीन अध्यादेश ले आए इनके बारे में आपने बेरा हमने नहीं बेरा किसी अध्यादेश का जो मोटी मोटी दो तीन बात बता दू पहली बात तो इन्हें कही है एक राष्ट्र एक बाजार कोई ना हो सकता कितना कोई बेचो दूसरी बात कही है इन्हें सरकार की न्यूनतम मूल्य तय नहीं करेगी किसी भी फसल का ये करेंगे और कौन करेगा ये नहीं करेगी इतने जो आप अपनी फसल चाहे कंपनी बेचो चाहे व्यापारी बेचो चाहे किसान बेचो सरकार का उसका बीच में कोई इंटरफेयर नहीं होगा। अरे इनकी तो तीसरी बात उसका मूल्य निर्धारित करेंगे तीसरी बात तो सुन ले पहले सुनते ले जो व्यापारी कंपनी और किसान के बीच में अगर किसी भी प्रकार का कोई भी विवाद होता है उसका निपटारा कोर्ट में नहीं होगा एसडीएम करेगा या डीसी करेगा जिलाधिकारी उसका निपटारा करेगा। भाई जमींदार की सुन ले भी तीन अध्यादेश तो मैं बता दिए इसमें भी अच्छी बात या जो अपनी ये खाद्यान्न मंडी और आरती जो है अपनी सब्जी मंडी इनमें ये बोली वाली लो आरती यो एक्ट भी खत्म कोई बोली कोई कुछ नहीं लुआ होगा अपने सीधे ले जाओ व्यापारी आपके खरीदा आप सीधे व्यापारी बेचो बीच आ खत्म बचोलिए भाई यह बात हो ज्यादा बढ़िया है बाकी होगा तो कोई नहीं आज थी तो ही नहीं है ठीक है वह स्वामीनाथन रिपोर्ट थी वह मर लिए जिन्हें उठाई दीवा ठीक है हाँ कुछ कीते कुछ कीते सही बतावा सुनो क्या स्वामीनाथ ना रिपोर्ट के बाबत स्वामीनाथ ना आयोग की रिपोर्ट जो पलट है प्लान में जब बीजेपी आई नहीं थी जब तक ही जब अच्छा धनखड़ ने पूरे प्रदर्शन करे हैं रेल का गभी लोटिया झज्जर है पूरे फंड करे हैं न्यू मोलिया स्वामी रिपोर्ट लागू करवा स्वामीनाथन आयोग रिपोर्ट लागू लागू होनी चाहिए उसमें तो 1% भी स्वामीनाथन आयोग की 1% का भी काम नहीं चालू होया भाई ये काम चालू होगा इनकी सरकार भी आई नीचे भी आई ऊपर भी आई कितनी कृषि वो भी धनखड़ खुद कृषि मंत्री था
कुछ नहीं भाई साहब, या सरकार ने कमी है। फिर किसके साथ जाओगे भाई? हम तो भाई जितनी दिखे नहीं लोग मानता, फिर हमने एक दिखा ही हमारा दादा नाम ले चौटाला का। अच्छा ठीक है, गिच मानस से भाई सारे डालेगा ठीक से चौके से सारे दे ना, किसी का दबुआर है दबुआर भी नहीं है किसी का। ये तो नहीं हो भाई, थोड़ा यो समय एक सा नहीं रहा करता तो ये बड़ा समय उनके साथ में है नहीं। अच्छा। तो भाई इस समय उनके साथ होगा जिस दिन, उस दिन सब क्या है छुट्टी होती दिखेगी। अच्छा। ठीक है, वो तो बैठा डे मन से ने ये क्या जाने फिर बैठा डे दो शाम बटिए। अरे दो से एक हो जाए फिर वो। अच्छा ये दो हो सके, वो दोनों भाई एक नहीं हो सकते रहे? मैं पूछूंगा दो लिए। हाँ फिर बताने ला रहा जब भाई ने तो कट्ठे करने ही बतेरा हंगा ला मैंने तो कोई नहीं हो जाए अगर या दुनिया नेरे हो बसरी है। अच्छा हाँ उन कट्ठे होने घड़ी ना लग गए। अच्छा राज के नेरे ओडा का बहुत हंगा लग गया कोई लग गया उन ना वो हो जा राज रखा जा अपने अच्छी लग गया उनका हाथ राज उनका हाथ में राजा होगा जब आप कट्ठे हो जाए। अच्छा हाँ चल भाई आगे और विचार लेवा है आपने क्या लाते हो भाई? हमने कैंडिडेट देखा वोट दे भाई, अगर गांव का कैंडिडेट आ गया तो ठीक नोटा दबा भाई नोटा दबागा गांव का आ गया गिर दे भाई ना नोटा दबांगे। गांव में है किसी तो उम्मीद है? गांव में दो तीन कैंडिडेट है भाई, बीजेपी में भी हैं कांग्रेस में भी हैं। अच्छा तो जिसने मतलब सगल दे दें भाई बीजेपी देखा जाता है बीजेपी देखा जाता योगेश्वर दत्त है बड़े तुम्हें जेजेपी और बीजेपी गठबंधन था अगर जो देखा जा और कांग्रेस तो जीत उड़ा है तो फिर इसमें काम के कैंडिडेट का कौन आता नोटा आ नोटा आ जाएगा भाई अपना तो भाई है। आपने क्या लगा भाई साहब किसके साथ इलेक्शन का क्या माहौल है? क्या पता जी इलेक्शन का तो क्या माहौल है क्या नहीं भाई। पार्टी का क्या है? पार्टी को वोट जिसकी उसकी दें जिसका काम कुम के मैंने वो दिखागा काम कराए हैं किसी ने मारा तो काम बहुत घने अटके खड़े हैं। हाँ जी क्या क्या अटक रहेगा काम सारे हैं जी हमारा पी एच सी का अटक गया रोड नहीं बन मारे बन दे किसान की इतनी दुखी है बहुत घना दुखी है जी टाइम पर फसल उसकी बिकती नहीं बेचारेगी कितने खराब फसल डूब जाए उसके पीछे आंदे नहीं है और नहीं होता बहुत कुछ है जी समस्या तो बहुत घनी है। सरकार ठीक से है? ठीक सब हमारे लिए। अच्छा और पहली सरकार भी ठीक थी? पहली भी ठीक थी और गांव की वाली भी सही है। हाँ भाई आप घंटे के बारे में कुछ कहे थे बताओ। एक और बात सब मेन मुद्दा जमींदार आकति फसल तो नहीं हो भाई गेहूँ वाली तो कटाई भी जाए तो महीना सोता है भाई यू गंडा ना सब तो ज्यादा रासा दो। अच्छा भाई मारा तो आड़ा ना यू गंडा पड़ता बट टाइम बम तो दूरी थी जाली रीप थी पेमेंट आनी ली मारी। अगले की तैयारी होली अगले ही तैयारी होली मारी पछले गया नहीं ली यार कभी जाना पड़ेगा भाई उड़े मरण का काम कर रही है कत्ती मरण वाली है दीप्ति भाई नट भी कौन खोल गया दूसरा बदल लिया इलेक्शन आ रहे तो कह लो कोई कम नहीं करवा सकता इलेक्शन पहले गया है कौन से ओए नई बार एक तो कह लो जो आओ है चक्कर लिए जाम ला लिया जाम तो हम ना लाया ये कहन लाग रहे रे जोश में शाम को बताओ आए पांच साल पार्टी वाले तक योगेश्वर दत्त फिर आए पांच साल में 10 रुपए बताए मील बाबत तो सिर्फ फुटम फुटा होली एवडा लोलवान होली जमींदार मैं कमे गए ठीक से कोई समाधान नहीं। अरे बस छह साल हो गए बीजेपी सरकार ने 10 रुपये गंडा गंडा भाव बताया 10 रुपये भाई। अच्छा। ठीक है और तू ने छह साल पहले और सौदे ला ले तू पेट्रोल डीजल दाल चीनी ये वगैरह वगैरह जो सामान आवा भाई। अच्छा। इनके रेट देख ले छह साल पहले अरीब गंडा रेट देख ले 10 रुपये रेट बताया भाई इसने। अच्छा। ठीक है इसने न्यू कौन बेचा चीनी कितनी बता दी चीनी भी तकरीबन मेरे ख्याल से जब तो 1300 से 1400 रुपया 700 से 700 रुपये बद रही है। अच्छा हाँ दे लेता सोलाई जब 28 में 24 में छोलियार दी लेबर 45 में 20 रुपये लेबर बताएगी। अच्छा ठीक है लेबर का तो भाई नहीं भी गरीब मानस है हमारे ही डाला है कौन सा वाई बात से भाई हाँ अपनी थोक दे बाकी पूरी कराए हैं भाई वाई बात से इन्हें बताना चाहिए था रेट शेट भाई। ठीक है ये वो तो कुछ देखा जाए गंडा बोना छोड़ दो गेहूँ बोना छोड़ दो अरे जिस दिन छोड़ दिया हम तो मरा मरेंगे ये देश भी मर जाएगा। हाँ फिर छोड़ो कौन है तुम्हें कौन देश मर भाई ये तो दादा लाई सोता है कि छोटा सा है के खाओगे भाई चोरी डाके बता। अरे भाई भाई बात दुनिया ही डाला हम भी फिर चोरी डाके करने ला जाए भाई और क्या होगा देश में भ्रष्टाचार बताएगा कौन सा अच्छाई बताएगी ना अच्छाई तो कौन है। अरे भाई कुछ नहीं सरकार दो सारी एक चीज है ये तो और नहीं है तने गांव की तो रोटी गणान लाए जाऊ मैं तुझे का कहा भाई सै थारा गांव में तो रोटी और बड़ा काम से और बड़ा काम। ठीक है हरियाणा में मतलब कदे मान्याड़ो काम हुआ अगर दा आज को सूझ नहीं है हरियाणा इस गांव की कदे रुकरोड़ा काम हुआ अरदा पलवाना काम आज बेटे जो अरे रेस मारने थी क्या सोदे नहीं रे सब क्यों खत्म कर दिया भाई महाराज सरकार ने इस पहली ना पहली तो कुछ नहीं करे हमारा भाई पहली तो मैं
फायदा करया था, इसने तो कितनी लचर काम कर दिया हमारा गांव का। हां मारा तो बड़ा मानस रोड पर जकड़ सकता भाई साहब। एक पानी की निकासी देख लियो आप तो मीडिया और एक पर सरकार ने दिखा दियो कितना काम कर रखा बस। ये रास्ता भाई मरोदे गांव का जो दूसरे गांव में जाओ शमशान घाटा में जाओ है, पानी के आप हालात देख सकते हैं अनेक पूरी तरह से पानी पानी है। कैसे यहाँ पे शमशान तक जाते हो और कैसे दूसरे गांव में जाते हो? ये भाई है जो मैच लेके देखे किस तरह से आना पड़ता गंदे पानी में, बताइए भाई जी आपने। बहुत परेशानी हो रही है इसमें, पानी में बढ़िया नहीं जाता है, ज्यादा गंदा पानी है और ये जाने में बहुत दिक्कत हो रही है। निकासी का कोई रास्ता? निकासी का कोई रास्ता नहीं है, पानी यहीं जमा हो जाता है बारिश होने के बाद। यो रास्ता जो यो कोशे गांव में जाओ भाई साहब, और कब से ये ऐसे हालात है यहाँ पे भाई साहब? यू कल्प गांव में रास्ता जा है, यू मारा शमशान घाट का रास्ता है, मारा को आदमी बुढ़ा ठेरा मर गया ने, हमने पेंट टांग का जाना पड़ा अड़क है। या सरकार दूसरा के साथ जाना चाहो अंतिम यात्रा वो साथ साथ भी जा सकता? नहीं जा सकता भाई साहब, यहाँ जान के हालात को ना, दूसरा बुढ़ा और गेलिया मरेगा उसकी और गेलिया दाग देना पड़ेगा। यू रास्ता गया सरकार ने निकासी का देख लो कितना बढ़िया प्रबंध कर रखा है, बीजेपी ने देख लो कति झंडे ला रखे गांव में गए, इतना बढ़िया काम कर रखा है, पानी कितने नहीं लग सकता देख लो भाई, दूर तो भरिया पड़िया है यू सारे घर में पानी मारे जाल मारे एक मी भी नहीं हटता है, और पानी की निकासी का कोई समाधान नहीं हो लिया इतने 6 साल हो लिया। आपने क्या कुछ लागू इलेक्शन का मोल आ रहा है जी, और ये हालात भी है इलेक्शन वाले कोई कुछ नहीं करता भाई साहब यहाँ। ये कल पर गांव में रास्ता जाता है आगे चैनी है और आगे के घर जो दो मंदिर हैं। अच्छा मंदिर भी सब? हाँ इससे मंदिर दो मंदिर हैं, मतलब उन्होंने पूजा पाठ भी करण महिला दादा अपनी मातृ शक्ति माँ बाण वे तो जाट। हाँ इसमें कोई भी सलवार टांग के ऊपर पजामा करके जब जाते हैं यार। हाँ सर पजना इसकी तरफ कोई विशेष ध्यान? कोई चेयरमैन भी नहीं कर रहा इस पर, कोई भी कुछ भी नहीं कर रहा इस पर। हाँ ये रंग ढंग है जी अपना, यो यहाँ का ये हालात है, और अभी इसके बाद फिर इलेक्शन का जोर अपने आ रहे है, अरे तो क्या कस लग गया बीजेपी ने कुछ करवाया ना करवाया? अभी क्या करवाया दिखना है रहा सब ने। अच्छा हाँ क्या पहले ना था यार इसका? ना सूखा था पहले, नया रास्ता बना था यू। अच्छा हाँ रास्ता बनवाया था? किसने बनवाया था जी? चेयरमैन ने। अच्छा फिर आगे मतलब पानी खड़िया है? अच्छा जी किस करे इसकी निकासी बताओ, खेत में पानी खड़िया गोडो गोडे। अच्छा चनी इस रास्ता पर चैनी भी है। अच्छा। मंदिर भी है, नून का भी दिखा देख नून का। हाँ। वो भी है डिग्गी भी है और कल्पा भी है। अच्छा। कल्पन जा है रोड है वो टूटा पड़ा रोड गिर गया मतलब उस गली में ही पानी इस गली में ही पानी 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 है नून से ही पानी आता है। फिर योग पानी का गांव का आता होगा यार गांव का आवा और कितना फिर गांव के पानी की निकासी करानी कितने रानी जोड़गा और से मतलब गांव में और जोड़ांगा ये जोड़ा कितने निकासी का काम नहीं इसके मतलब नलके दाबे दे भाई साहब नलके दाबे दे आगे खेतों में पानी पड़ा कित काटेंगे खेतों फिर आपने इलेक्शन में क्या मोल लग गया? मोल के लग गए वो कुछ के कर दिया हमारा यू रोड है टूटा पड़ा यू है हम तो अपना जहाँ रोड होता जल नोटा का बटन दाब का होगी। अच्छा देखो ये किससे का इलेक्शन हो लो नोटा पर। नोटा बता आप दाई बाजी आपके पसंद का कैंडिडेट नहीं आता? कोई भी नहीं। हां जी ये रोड है? हां ये रोड पर पानी खड़ा है। हां टूटा रोड आ जाइयो नाले है नाले रोके पड़े को कराओ कोई नहीं करंदा। अच्छा पीड़ू उड़ू वाले आने का न्यू ना देख दे अड़क नाले रोक रे किनारे रोक रे पानी बड़ा है उधर ढूंढा पानी बड़ा इसके तो ज्यादा सो मारी स्कूल में बढ़ रहा छोटे दोनों स्कूल में पानी बढ़ रहा है। अच्छा प्रेम प्रेम भी रहा है फिर आपने किसी आदेश की शिकायत नहीं करी? शिकायत किस तक तो जमींदार आदमी अपना खेत का काम करा शिकायत करूँ तो चंडीगढ़ जावा फिर किसे रखोगे जब बात करेगा कोई किसे बताओ ये नहीं कि ये बात सुन ले ये दोनों सरपंच रहे ब्लॉक समिति के रहे चेयरमैन के रहे मारी कौन सुनाई करेगा ब्लॉक समिति चेयरमैन वाले बताई वो अगले तो नहीं कहे हमारा बहिष्कार नहीं कित काट दे बताई पानी भरा हुआ आज बस पानी देख ली पानी का क्या हाल हो रहा है रात सारे रोके पड़े है। अच्छा तो समस्या सुना है सब किया आगे पंचायत में करदा तो कौन सुन सुन में ये लिख रहा है कर रहा तो बाकी मैं जब लिख रहा कि मेरा समाधान हो जब बात बनो शमशान घाट से देख यू है।
ये हमने आपको बरोदा गांव के लोगों की समस्या सुनवाई और यहाँ का चुनावी सर्वे दिखाया। सर्वे करने के बाद हम ये तो नहीं कह सकते कि इस गांव में किस पार्टी का पलड़ा भारी है या किस काल का है। बहुत सारी यहाँ के लोगों की अपनी शिकायत थी, पानी की निकासी को लेकर, रोड को लेकर, जो हमने आपको रूबरू करवाई और शायद सरकार इन पर अमल भी करे। और ऐसी वीडियो हमारे चैनल पर कंटिन्यू आती रहेगी। आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। हम पूरे बरोदा के चुनावी सर्वे आपके बीच में लाते रहेंगे।